हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं आंवला का मुरब्बा। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कैसे बनाना है वो हम लोग देखिए करते हैं। तो आंवला हम लोग लिए हैं, आंवला को इस तरह से हम लोग खोपला चम्मच से इसको छेदा कर देंगे। पूरा आंवला में हम लोग हाफ के जी आंवला लिए हैं, तो सारा आंवला को इसी तरह हम लोग इसको चम्मच से कर देंगे। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा इसका। अब इसके बाद हम लोग गर्म पानी लिए हैं उबलता हुआ, उसमें हम लोग इसको डाल देंगे। 10 मिनट तक इसमें उबलने देंगे यही गर्म पानी में। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा, अच्छे से 10 मिनट ये उबल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे आंवला को, और सूखा कपड़ा में इसको अच्छे से सारा पानी को सुखा लेंगे। ये देखिए सारा आंवला हम लोग निकाल लिए हैं। ये जो पानी है आंवला का, इसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसको हम लोग यूज करेंगे जूस के तौर पर, या तो फिर ऐसे पीना तैसे पी सकते हैं। शरीर के लिए बहुत बेनिफिट रहता है ये। तो ये देखिए आंवला को हम लोग सब ले लिए हैं, इसका सूखा कपड़ा के ऊपर सारा पानी को हम लोग अच्छे से सुखा लेंगे। पानी का इसमें मात्रा नहीं होना चाहिए। अच्छे से सूख जाने के बाद हम लोग 250 ग्राम, हाफ के जी आंवला है तो 250 ग्राम हम लोग चीनी लेंगे। उसको एक बर्तन में डाल देंगे, अच्छे से उसको चीनी को मेल्ट होने देंगे। हल्का जब चीनी मेल्ट होने लगेगा तो ये आंवला जो सुखा लिए हम लोग, पानी पोछ लिए हैं, उसको हम लोग डाल देंगे उसमें। ये देखिए हम लोग 250 ग्राम चीनी लिए पतीला में। अब ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो इसमें हम लोग सारे आंवले को डाल देंगे। ये देखिए हम लोग चीनी पिघल गया, मेरा चम्मच उसमें गिर गया, गर्म हो गया तो निकाल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए अब हम लोग इसमें आंवला डाल दिए हैं। अब इसमें आंवला को हम लोग 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे अच्छे से। इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और हाफ टेबल स्पून हम लोग काला नमक डालेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है डालने से ये सब, तो ये सब आप लोग ज़रूर डालें। और 10 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको हम लोग उबलने देंगे। देखिएगा पूरा बाजार जैसा हम लोग का आंवला मुरब्बा तैयार होगा बनके। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए और ट्राई करिए। आप 1 साल तक रख सकते हैं अपने घर में स्टोर करके, ख़राब नहीं होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए मेरा आंवला का मुरब्बा बनके तैयार हो गया है, और कितना अच्छा देखने में लग रहा है। लग रहा है ना रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला नहीं है, आंवला मुरब्बा है। अब इसको हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे और शीशा का जार में स्टोर करके रखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है बनके तैयार हुआ है। तो अब ये देखिए हम लोग लिए एक जार, और उसमें सारा हम लोग अच्छे से स्टोर करके रखेंगे। और रोज़ ये हर दिन एक पीस खाइए और सेहतमंद रहिए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट और साथ दीजिए। जूसी आंवला मुरब्बा बनके तैयार हो गया है, तो अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें आप लोग सब। इसका सारा जूस भी इसमें हम लोग डाल देंगे। जब मन करे एक निकालिए और खाइए, और मज़े लीजिए आंवला मुरब्बा का।